एग्जैक्टली हो ये रहा है कि रानी पवित्रा जी ने जितने भी दावे किए, जितने भी वादे किए, जो जो यू नो सैंपल्स उन्होंने जो जो रखे हैं मेरे सामने, रॉकी के सामने, वो सारे गलत निकल रहे हैं. वो सारी चीज़ें यू नो जो वो दावा कर रही है वो हमेशा कुछ उल्टा ही जा रहा है. एंड ऑफ द रिज़ल्ट जो है वो एकदम पॉइंटलेस, बिल्कुल गलत आता है. तो रॉकी अब बहुत नाराज़ है पवित्रा से, कहीं ना कहीं प्यार भी करता है पवित्रा से. बट अब हालात ऐसे बन गए हैं कि ना चाहते हुए भी रॉकी को रानी जी के साथ शादी के पवित्र बंधन में आगे बढ़ना पड़ रहा है. बहुत बहुत मज़ा आ रहा है डांस करते हुए. एंड स्पेशली यू नो प्यार किसी और को करता है, डांस किसी और के साथ कर रहा है, तो वो जो पूरी केमिस्ट्री है यू नो कहीं ना कहीं दुख की, कहीं ना कहीं जलन की, कहीं ना कहीं यू नो वो ना चाहते हुए भी रानी जी के साथ उसे डांस करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका और रॉकी और रानी जी का संगीत है. तो बहुत ही अमेजिंग कोरियोग्राफी है, बहुत ही अमेजिंग यू नो स्टेप्स है, मूवमेंट्स है, जो इमोशन है वो भी बहुत हाई है इसमें. बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट ऑलरेडी हो रहा है. जैसे कि आप एपिसोड देख ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू नो रानी जी ने एक स्पेल जन्माष्टमी के दौरान कर दिया था कि सबको टाइम को फ्रीज़ कर दिया था. सब हर कोई कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर फ्रीज़ हो गया था. और जब तक यू नो वो फ्रीज़ डीफ्रीज़ होता या खुलता या तब तक रानी जी ने अपना पिशाचिनी रूप लेकर वापस वो नॉर्मल रूप में आ जाती है. और सिर्फ पवित्रा को ही दिखता है कि वो एक पिशाचिनी है, बाकी किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं है हो क्या रहा है. तो बहुत ड्रामा होने वाला है. एंड एट द सेम टाइम अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि क्या रानी जी की शादी रॉकी के साथ हो जाएगी, क्या एक पिशाचिनी की शादी रॉकी के साथ होगी, और इस पूरे राजपूत परिवार को पूरा जो यू नो पूरा जो कैटास्ट्रोफी है वो कैसे संभाले गए राजपूत परिवार.